नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेरिलाइजेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी मायने रखता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, स्टेरिलाइजेशन मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको डिस्ट्रॉय करना और उनके प्रोडक्ट्स को भी डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, इनएक्टिव बना देना। तो इसमें आएंगे तीन मेथड्स। एक तो होगा फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड जिसमें केमिकल यूज़ किए जाएंगे, और मैकेनिकल मेथड। फिजिकल में आएगा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड रेडिएशन, और केमिकल में आएंगे गैसियस स्टरलाइजेशन और डिसइनफेक्टेंट। तो ये डिसइनफेक्टेंट स्टरलाइजेशन जो भी है इसको सरफेस स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। और मैकेनिकल मेथड में आएंगे फिल्टर्स, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट में देखते हैं, तो फिजिकल मेथड्स में देख लो, इसमें आएगा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा वो होता है हॉट एयर ओवन, ठीक है। हॉट एयर है जिसके अंदर सिर्फ हॉट एयर है, तो उसे हम तो ड्राई हीट ही बोलेंगे। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट होगा हॉट एयर ओवन, ठीक है। ओवन तो आप सब लोगों ने देखा है, उसमें हॉट एयर होता है, ये ड्राई हीट के अंदर आता है, ठीक है। ओवन को आपने दिमाग में लाना है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, 160 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे तक चला लो, ठीक है, तभी ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होगा। और इसका जो भी मैकेनिज्म होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का, तो वो होगा ऑक्सीडेशन। ये मैकेनिज्म को भी आपको याद रखना है। अभी देखो, इसमें हॉट है ना, तो ये जो 16 की उम्र होती है ना, 16, 16 उम्र की बाली उम्र को सलाम बोलते हैं। तो ये हॉट जो भी एज होता है वो 16 होता है। तो 160 डिग्री सेल्सियस को आप अच्छे से याद रखो, ये हॉट एयर ओवन है और वो 1 घंटा तक चलाना है, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हो आप। और इसका ये ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्राई हीट के लिए, ठीक है। ये हॉट है तो ये जो ऑक्स है ना, ये बैल को ऑक्स बोलते हैं। तो ये हॉट हॉट जो भी है ना 16 उम्र में, तो उसके पीछे कौन लग गया, कोई भी बैल लग गया, ऐसा कुछ करके याद रखना है। फिर है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, इसका इंस्ट्रूमेंट होगा ऑटोक्लेव। कुकर तो हम लोगों के घर में होता ही है, जो कुकर होता है ना, बस उसको दिमाग में ला लो, उसे ऑटोक्लेव बोल सकते हो। तो ऑटोक्लेव का रखना है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 15 मिनट में, 15 मिनट के लिए, ठीक है। आप जो भी दाल चावल बनाओगे कुकर में, 15 मिनट में तो बन जाता है, 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट तक के दाल चावल बन जाएगा। इस तरह से ऑटोक्लेव को याद रख लो। और इसका जो मैकेनिज्म एक्शन है, कोयागुलेशन एंड डीनेचुरेशन। तो यहाँ पे देखो, ये क्लेव है ना, ये क्लेव को आप कोयागुलेशन बोल सकते हो, ठीक है। प्रोनाउंस तो होता है वैसे, ऑटो कोएगुलेशन या फिर ऑटो क्लेव। कोएगुलेशन एंड डीनेचुरेशन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, प्रोटीन कोएगुलेशन एंड डीनेचुरेशन। तो ये कंडीशन और इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं। प्रिंसिपल जो भी है इसका एक्शन का, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिजिकल मेथड में देखना है, तो वो है रेडिएशन। रेडिएशन करते हैं गामा रेज से, ठीक है। इसमें यूज़ किया जाता है कोबाल्ट 16, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी प्रिंसिपल है इसका वर्किंग का, वो होगा अल्टरेशन ऑफ केमिकल्स एंड डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियर प्रोटीन। ये जो भी रेडिएशंस होते हैं उससे न्यूक्लियर प्रोटीन डिस्ट्रॉय होगा, या फिर उसके केमिकल में अल्टरेशन होगा, चेंजेस हो गए, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं स्टरलाइजेशन की, जो है केमिकल मेथड को देखेंगे अभी। यहाँ पे देखो, अब ये केमिकल मेथड्स में आएंगे कौन कौन। देखो, गैसियस स्टरलाइजेशन होगा। गैसियस स्टरलाइजेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, इथिलीन ऑक्साइड को ये भूलना नहीं है, ठीक है। इथिलीन ऑक्साइड केमिकल में गैसियस स्टरलाइजेशन के अंडर आता है। फिर ओजोन, ओजोन को O3 बोलते हैं। फिर क्लोरीन, Cl2, फॉर्मलाडिहाइड HCHO, और बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ये सब आप गैसीय स्टरलाइजेशन में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इथिलीन ऑक्साइड को आपने अच्छे से पढ़ना है, ये गैसीय स्टरलाइजेशन
मैकेनिज्म जो भी है इसका प्रिंसिपल वो है अल्काइलेशन। ठीक है, अब ईटीओ जो लिखते हैं ना हम इथिलीन ऑक्साइड के लिए ईटीओ, तो ये तो एट के जैसा लग रहा है ना, एट एट ऐसा एट ओ, तो 8 आवर्स एक्सपोजर रखना है इस इथिलीन ऑक्साइड की कंडीशन में। 8 आवर्स एक्सपोजर 0.5 PPM का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.9 mg/m³। जो भी यूनिट होगा उस यूनिट के हिसाब से इसका नंबर भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट स्टरलाइजेशन। देखो इसको तो मैंने बताया था, इसको सरफेस स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? तो जो भी आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है इमरजेंसी केस में, अल्कोहल से, आयोडीन से या फिर क्लोरीन से। और ये स्टरलाइजेशन जब भी करोगे तो उसके बाद तुरंत उसको आपको उस जो भी इंस्ट्रूमेंट का आपने डिसइंफेक्टेंट स्टरलाइजेशन किया है उसको वॉश विथ स्टराइल वाटर करना है यूज़ करने के पहले। ठीक है, तो बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये डिसइंफेक्टेंट जो होता है ना वो नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई किया जाता है, और एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो लिविंग बॉडी पे अप्लाई किए जाते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, दोनों का पर्पस तो एक ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कंट्रोल करना या फिर उनको किल कर देना। तो डिसइंफेक्टेंट होगा तो नॉन लिविंग थिंग पर अप्लाई करना है, और अगर एंटीसेप्टिक बोला है तो वो लिविंग बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स में कौन आएगा? फिल्टर्स आएंगे, अलग अलग फिल्टर्स होते हैं। पर यहाँ पे आप दो चीज़ें को फिल्टर्स को याद रखो अच्छे से। एक तो होगा सीज फिल्टर्स जो बनते हैं एस्बेस्टॉस से, और मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो बनते हैं सेल्यूलोज से। तो ये चीज़ों को आपको याद भी रखना है। तो याद कैसे रखोगे? देखो सीज सीज करना यानी क्या? जब्त कर लेना। क्या जब्त करोगे? जो भी बेस्ट चीज़ होगी ना उसको आप जब्त करोगे। ठीक है, बेकार चीज़ तो आप सीज नहीं करोगे, जो भी बेस्ट चल रही है उसी को सीज कर लोगे। तो सीज क्या करना है? बेस्ट चीज करना है। तो सीज फिल्टर्स कैसे बनते हैं? एस्बेस्टॉस से। और मेम्ब्रेन फिल्टर, मेम्ब्रेन यानी रिमेम्बर बोलो, रिमेम्बर क्या रखना है कि सेल को यू लूज, सेल आप लूज कर चुके हो ये आपको रिमेम्बर रखना है। रिमेम्बर यानी मेम्ब्रेन होगा और मेम्ब्रेन फिल्टर बनता है सेल्यूलोज से। रिमेम्बर रखना है कि आप सेल को लूज कर चुके हो बस। तो ये स्टरलाइजेशन पे अब जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका सही सही बन जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। और तब तक के लिए थैंक यू।